आज हम लोग मसा पढ़ते हैं। लसा के बाद कल हम लोग ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उसके आगे मसा का पढ़ते हैं और प्रयास करेंगे। इसके बाद कुछ ट्रिक को पढ़ेंगे, फिर से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे क्योंकि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और प्रयास करिएगा। जब भी मेरी क्लास लीजिएगा गणित का तो अपने पास कॉपी, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और एक कॉपी साथ में रखा करिए ताकि लगाते समय क्योंकि थोड़ा सा तेज़ बोलते भी हम, स्पीड की कहते हैं मामले में, आप लिखते चलिएगा और जल्दी से कर भी लीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे मैं निकालना है मशा पढ़ना है। मशा को कहते हैं हम SCF कहते हैं। SCF कहते हैं। SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में माने कल हम लोगों उस दिन हम लोगों ने पहले दिन एक पढ़ लिया था जो सबसे बड़ा नंबर होगा। जैसे अगर यह कह दिया जाए कि 16 और 24 का SCF क्या होगा, इसका मशा क्या होगा, तो क्या करेंगे? मैंने ऐसा नंबर महत्तम मान जो सबसे बड़ा सम अपवर्तक के समान अपवर्तक हो तो सबसे पहले 16 का गुणनखंड करेंगे। 16 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 × 8 × 16। 24 का करेंगे क्या? 2 × 4 × 8। अब अगर मशा निकालना है, SCF निकालना है, लेकिन दोनों में क्या कॉमन, कि यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 8 जो निकला SCF या मशा। अब कहने के लिए हम ये भी कह सकते हैं 2 भी हो सकता है, ये भी 2, लेकिन 8 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 16 और 24 दोनों विभाजित होता है। ठीक, अगर हम इसे भाग विधि से निकालना चाहते हैं तो भी निकाला जा सकता है। जैसे इसे 16 से 24 भाग देंगे, 16 1 16 8 बचा, फिर इसे 16 में डिवाइड करेंगे, फिर करेंगे 16 4 2, ये जो 8 होगा ये क्या होगा? 80 या मशा होगा। ठीक, तो यह विधि आप लोग पहले से जानते भी होंगे। तो ये मशा का मतलब अगर कह दे वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 16 24 को पूरी पूरी विभाजित कर दे, तो 8 वह सबसे बड़ी संख्या है, 16 और 24 को पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जबकि ये 2 से भी कट रहा था, देखिए 2 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या 2 मशा होगा? नहीं, हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे बड़ा। 4 2 × 4 करके भाई दोनों कट रहा है, लेकिन 8 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 16 और 24 दोनों विभाजित हो जाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को समान रूप से एक साथ विभाजित कर सके। ठीक है, ठीक। इस तरह हम लोगों ने देखा कि 16 और 24 का हमने मशा या SCF 8 प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किए? प्रश्न भी आपने देख लिया, गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। ठीक, और एक आदि विधि अगर आप समझ में आता तो बताइएगा, वरना हम आपको बता देंगे एक आदि विधि और भी है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद इसके आधार पर हम सवाल को लगाते हैं। अगर इसी को क्वेश्चन को इस तरह से प्रश्न बोल देता कि 16 लीटर और एक ग्वाला के पास 16 लीटर 24 लीटर दूध के 2 बड़े बड़े टंकी थे, वह सबसे बड़ा पैमाना ये नाप बताइए इससे दोनों टंकियों के दूध को आसानी से मापा जा सके, तो फिर क्या करेंगे? जब बड़ी से बड़ी का बात करेगा, देखिए जब कहता है बड़ा से बड़ा, उत्तर क्या आता है? छोटा से छोटा आता है। तो वहाँ पे हमें उत्तर क्या मिलेगा? फिर हम क्या करेंगे? 16 और 24 का मशा निकालेंगे और उसका जो मशा प्राप्त होगा वो 8 प्राप्त होगा, जैसा कि अभी सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। यह कह दिया जाए, इसी प्रश्न को इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक दर्जी के पास 16 मीटर 24 मीटर लंबे 2 कपड़े हैं, वह उन्हें बड़ी से बड़ी माप बताइए इससे दोनों कपड़ों को मापा जा सके। बड़ी से बड़ी, देखिए जब बड़ा से बड़ा कहता है लेकिन उत्तर छोटा छोटा आता है, उस दशा में उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में मशा निकालेंगे। मशा आप समझ लीजिए, मशा भाग विधि से भी निकालिएगा, 2-4 भी हम आपको दे देंगे, फिर उसके आधार पर आप लोग आगे हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप पढ़े हैं, इस चीज़ को जानते हैं, और खासकर ये लिखित परीक्षा सुपर टेट और यूपी टेट के लिए राम बाण औषधि की तरह आपके लिए एकदम काम करेगा। ठीक, और सेमेस्टर के लिए तो है ही। ठीक, आगे बढ़े हम। अब क्वेश्चन उसको कहिए, उसका मैसेज भी निकालेंगे और क्वेश्चन इसी बता देंगे, तो दोनों तरीके से होता है। उसी को हम किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, इसमें भी एक एक टर्म पढ़ेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक धीरे धीरे आप ग्रोथ करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे दे दिया है आपका
अठारह, पैंतालीस, चौवन का मैशर क्या होगा या एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? अठारह, अड़तालीस और चौवन मैशर क्या होगा? मैशर तो आसानी से हम निकालेंगे, दो विधि, तीन विधि, जिस विधि से उस विधि से हम निकाल सकते हैं। तो 18-24 का जैसे हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग उसे गोलखंड विधि से भी निकाल लेते हैं। एक विधि और आपको बताएंगे लास्ट में, जब 60 मतलब कैसा भी प्रश्न हो अभिलाष समय से एक साथ एक ही निकालेंगे, अभी दोनों मिक्स करके हम लोग कहेंगे कि तब तक याद देख लेते हम कैसे लगाएंगे। हम लोग गोलखंड विधि का प्रयोग करते हैं, गोलखंड विधि का जो प्रयोग करेंगे तो यहाँ देखिए 18 का गोलखंड करेंगे, 2 + 6 = 18, 48 का अगर करना होगा तो 2 × 4 × 8 × 16 चौवन का अगर करना हो गुणन खंड, चौवन का होगा 2 + 6 = 18। अब देखेंगे सब तीनों में जो कॉमन है, ये तीनों में कॉमन होगा वही क्या होगा, एचसीएफ या मैशर होगा। तो दोनों में तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 यहाँ दिख गया, फिर यहाँ पे 1 3, यहाँ 3 ये हो गया। अच्छा, तो इसका एचसीएफ प्राप्त होगा कितना हो गया? 6। ठीक, एचसीएफ कितना हो गया? 6। तो हमने ये देखा कि जो ये 6 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 18, 48 और 54 को पूरी पूरी विभाजित कर सकती है। इसी में प्रश्न और बनाया जा सकता है कि एक व्यक्ति के पास 18, 48 और 54 फूल थे, वह बड़ी से बड़ी टोली क्या होगी जिसे बनाकर वो तीनों फूलों को एक साथ निकाल सके। या इसी प्रश्न को ऐसे भी बना सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास 18 लीटर, 48 लीटर, 54 लीटर की तीन बड़ी दूध की कैन है, वह बड़ा सा बड़ा माप बताइए इससे तीनों को एक साथ मापा जा सके। इस तरह से प्रश्न होंगे। तो जब बड़ा शब्द का प्रयोग करेगा सदैव मैशर निकालेंगे, क्योंकि जब प्रश्न पूछता है हम ये समझ नहीं पाते कि मैशर का मतलब क्या है, क्यों बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है क्या करेंगे इससे, या ऐसे दे देगा वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 18, 48 और 54 को पूरी तरह विभाजित कर देगी। ठीक, तो पूरी तरह विभाजित कर देगी बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने इन तीनों को एक ही संख्या काट देगी और बड़ी से बड़ी कहेगा, तो सदैव आप मैशर निकालेंगे। याद रखिए, क्योंकि मामला ये नहीं होता जब परीक्षा हाल में होते हैं तो साइकोलॉजी दबाव, फिर ऊपर से प्रश्न पूछ दिया, तो हम कभी कभी ये नहीं कर पाते कैसे सवाल को लगाना है। तो उस दशा में आपको सबसे बढ़िया है इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैंने एक बार आपको और बता दे रहा हूँ मैं कि जब ये कहेगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 18, 48 और 54 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो उसका सदैव क्या निकालेंगे, मैशर निकालेंगे। लेकिन अगर लैसर के लिए पूछता तब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 18, 48, 54 से विभाजित हो जाएगी। जब से शब्द का आप प्रयोग करता है तो लैसर निकालेंगे, लैसर कहता है छोटी छोटी संख्या, लेकिन उत्तर आता है बड़ा सा बड़ा, और यह कहेगा बड़ा सा बड़ा, उत्तर आएगा छोटा छोटा। ये भी लॉजिक अगर आप समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रश्न में गलती करनी नहीं करेंगे और कम से कम गलती करेंगे। तो एक बात, अगर कभी ये पैमाने में दिया है, अभी हम लोग दसवालों का जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जब लसा माशा पैमाने में दिया गया होगा तो हम यूनिट को भी बराबर कर दें, 4 घंटा 3 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, अगर इस तरह से दे दिएगा तो सबको या तो मिनट बदलिए, सबको घंटा मानिए। फिर लगे मतलब कि ये इस बात का भी ध्यान देना होता है मसल में कि यूनिट समान होना चाहिए, इस बात को समझ लीजिएगा, गहराई से समझ लीजिएगा, ताकि तब हम अगर आगे पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ में आए। तो ये समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और, इस वीडियो लिंक को सभी को शेयर कर दीजिएगा, अन्य कोई प्रकार की पोस्ट आती है आप शेयर कर देते हैं, मैं आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे हो सकता है जिस व्यक्ति तक मैं नहीं पहुँच पाया आप तक पहुँच गया, आप अगर शेयर करेंगे हो सकता है किसी और तक पहुँच जाएगा, हो सकता है आपके यूज का वीडियो ना हो लेकिन किसी व्यक्ति के इस्तेमाल की हो सकता है, किसी की बेसिक सुधारने के लिए ये गणित काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए शेयर जरूर कर दीजिए आप। देखिए एक प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न को मैं ध्यान से आप लगाइएगा, देखिए लगाने में समझ में आ जाएगा, बढ़िया भी लगेगा। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें जिसमें ध्यान दीजिएगा 16, 46, 54 में भाग देने पर 16,
छियालीस सॉरी बावन सोलह छियालीस बावन भाग देने पर हर एक हालत में दो शेष रह जाए, ध्यान दीजिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी इसमें 16, 46 और बावन में 52 है 52 बावन में भाग देने पे हर एक हालत में दो शेष बच जाए। ठीक है, एक बार बड़ी से बड़ी कह रहा है, फिर कह रहा है हर एक हालत में शेष बच जाए, कितना बच गए, दो बच गए। तो सबसे पहले एक बात तो समझ में आ गया, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना, तो निकालना क्या होगा इसका, मैं शायद निकालना होगा। अब कह रहा है हर एक हालत में शेष बचे, जो हर एक हालत में शेष बचे तो अब जोड़ते हैं, चाहे वो लस हो चाहे मस हो, यहाँ भी जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ मर्ष निकालने के बाद नहीं जोड़ते, मर्ष में तुरंत जोड़ देते हैं। तुरंत का मतलब ये हो जाएगा 16 + 2, ये हो जाएगा 46 + 2, ये हो जाएगा 52 + 2, मतलब ये हो जाएगा एक संख्या 18, दूसरी 48, तीसरा 54। अब इसका जब मर्ष निकाल लेंगे, इसका क्या निकालेंगे, मर्ष निकालेंगे, मस निकालने के बाद फिर वापस जब संख्या हम भाग देंगे तो हर एक हालत में क्या होगा, इसमें दो शेष बचेगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन समझ लिए, पर मैं पुनः बता रहा हूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 16, 46, 52 में भाग देने में हर एक हालत में प्रत्येक दशा में दो की कमी रह जाती है। क्या रहती है, कमी, माने जैसे दो को जोड़ देते हैं वैसे ही क्या होता है, पूरी तरह से भाग लग जाता है। फिर वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 16, 48, 54 का क्या निकालेंगे, मैश निकालेंगे। जब इसका मैश निकालेंगे, देखिए बगल में हमने मैश एचसीएफ निकाल के रखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे है, वही आएगा इसका आंसर क्या आएगा, 6। तो वह सबसे छोटी संख्या है जो 16, 46, 52 में भाग देने पर हर एक दशा में दो की कमी रह जाती है। जैसे ये दो जोड़ देते हैं वैसे क्या होता है, भाग पूरा पूरा लग जाता है। समझ में आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, चलिए हाँ, कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि जब पढ़ाते समय होता है ना थोड़ा सा आपकी बात करेंगे तो समय टूटेगा और आपके लिए समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, अब छोटी सी बात आपको बता दें कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जिले से शेयर कर देंगे, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी भगवान तो कह नहीं सकता। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है या ऑनलाइन अगर नोट्स चाहिए 6306344367 पर सीटेट जो भी सीटेट रिपीटेड सीट जो भी कोर्स ज्वाइन करना है आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, नंबर बात कर सकते हैं, और जौनपुर जनपद की करें तो आप आके हमारे क्लास भी कर सकते हैं। अगर जौनपुर आके पढ़ना चाहते हैं तो भी आपका मोस्ट वेलकम है क्योंकि हम जौनपुर के सिराजे हिंदी से ही है अभी, और आगे अभी तो अन्य जगह जाना बाकी है। चलिए और आगे क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं। इस तरह के अगर क्वेश्चन अन्य तरीके से पूछे जाएंगे तो कैसे आप लगाएंगे, समझ में आ गया। अब और दूसरे टॉपिक के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको बेटा ये आप एक जो क्वेश्चन और पूछा जाता है और काफ़ी मजेदार क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन लिखिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो बासठ 132 237 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 62 137 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, क्या बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस तरह के जो प्रश्न दिया रहेगा क्या करेंगे, इस बात को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या 3 नंबर दिया है और यह कह रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक, इसमें हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 237, तो बड़ी संख्या में अन्य दोनों छोटी संख्याओं को क्या करेंगे, घटाएंगे क्रमशः। तो पहली बार हमने घटाया 62, फिर 237 में से दूसरी बार मैंने घटाया, पहले बार में 132 बार 132 घटा दिया, दूसरी बार में 62। अब इसमें से ये और ये संख्याएँ घट गई, अब जो बीच की संख्या बची है उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा दें। बीच की संख्या क्या है 132, यहाँ दिख रहा है, तो 132 में से हम क्या घटा देंगे 62। इस प्रकार 3 संख्या में से हमें 3 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, बहुत विशेष कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है और उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0, 2 में से गया 1। इसमें घटाएंगे 7 में से 2 गया 5, 2 गया 3 में 13 में से 6 गया
सात और 174, फिर 132 से बात चढ़ गया 067। इस प्रकार हमने ये देखा संख्या में तीन संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं 105, 175 और 7। ध्यान थोड़ा सा देखिए गलत नहीं, 5, 2, 7, 7, 6, 0। अच्छा 2 भी 2 हो गया, 13 में 6 गया 7, 70। ठीक, ये तीन संख्या में प्राप्त होगी, मतलब तीन संख्या से हमें तीन संख्या निकलेगी। इसका मामला समझ लीजिए, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 62, 132 और 237 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो कुछ नहीं, विशेष कुछ नहीं करना है आपको, बस इस बात का विशेष ख्याल रखना है जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसमें से अन्य दोनों संख्या को घटा दीजिए, फिर जो बीच की संख्या है उसे थर्ड संख्या घटा दीजिए। कहने का मतलब हम पहले ये संख्या का इसको फर्स्ट मान लिए, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गया, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकेंड घटा देंगे, फिर फर्स्ट में से हम थर्ड घटा देंगे, फिर सेकेंड में से हम क्या करेंगे, थर्ड वाली संख्या को घटा देंगे। इस प्रकार हमें ए बी सी तीन प्रकार की पुनः संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। क्रमशः क्या हो जाएंगी, ए बी सी तीन प्रकार की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। जब ये तीन प्रकार की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी तो आगे क्या करना है, आगे जो प्राप्त हुई संख्या है इनका हमें मर्श निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और जो इसका मर्श होगा वही इसका उत्तर होगा। तो इसका मर्श निकालते हैं, इसका मर्श निकालेंगे तो हम जानते हैं 105 का गुणनखंड करेंगे, 105 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 × 7 पाँच दिया 15 × 105 175 की बात करते हैं, तो 5 × 5 × 7 5×5 = 25, 70 का है तो इसका होगा 2×5 × 7 ये हो गया। देखते हैं कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा सब में वही तो मर्श होगा। देखिए गुणनखंड प्रश्न को क्या याद, मैंने इसको तोड़ दिया, 105 को 35 से 105 तो 3×5 = 15, 7 = 105, इसको 175 को फिर मैंने पहाड़ा पड़ा कि 25 × 7 = 175 तो 5×5 = 75, 70 × 14 = 70, 2×5 = 70। तो ऐसा नहीं मुझे याद है, मैंने इसको तोड़कर सॉल्व किया। ऐसे आप भी सीख लेंगे जब काफ़ी दिन तक पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, कई किताबें खंगालेंगे। जिस तरह हमने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स मैंने क्या किया, बहुत सारी किताबों का खंगाल के फिर मैंने नोट्स बनाया ताकि आप लोग को उसका लाभ मिले। आप किताबें पढ़ेंगे, कई किताबें पढ़नी पड़ेगी, हम जो देंगे सर छटा हुआ मैटर आपको देंगे, कई किताबों से निकाल कर आपको, इसलिए लोग कहते हैं ना सर नोट्स आपकी बेस्ट होती है, बस इसलिए होती है कई किताबों का मिश्रण होता है। तो आपको भी नोट्स चाहिए तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो अब देखते हैं इसमें जो कॉमन हो, यहाँ पाँच मिल गया, सात कॉमन 7, तो जो निकल गया 35। मान लो 35 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 62, 132 और 237 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। इसकी भी स्क्रीन शॉट रख लीजिएगा ताकि आपको सब बाद में असुविधा ना हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ी संख्या उससे छोटी वाली घटाइए, फिर उससे छोटी वाली घटाइए, बीच वाले थर्ड वाली घटाइए, प्राप्त संख्या का मर्श निकाल दीजिए, वही आपका उत्तर है। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन और बोले, चलिए क्वेश्चन आप लगाइए। इसको मिटा देते हैं तक आप लगाते रहिए। एक सौ सत्तासी, 233, 279। ठीक, अब क्या करें इसमें, 187, 233, 279 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको, जिससे 137, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक, अब क्या करेंगे, वही कंडीशन करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, पहले सबसे बड़ी संख्या को लिख लेंगे तो पता चला इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 279 है। सबसे पहले हमने लिख लिया 279, इसमें से बीच वाली संख्या घटाएंगे 233, फिर इससे थर्ड वाली संख्या घटाएंगे 279 − 187, बीच वाले से थर्ड वाला घटाएंगे 233 − 187, ताकि आपको पता है क्या करना है, आपको तीन अंक से तीन अंक प्राप्त करने हैं, बस बात खत्म। अब 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 46।
नौ में से सात गया, दो सात सत्ताईस में से आठ गया, फिर तीन में सात गया, तेरह में सात गया छः, और तेरह में सात गया छः, यहाँ बचेगा बारह में से आठ गया चार चार। तो तीन संख्या में प्राप्त हो गई क्रमशः जो है, ये तीनों का जो हमेशा होगा वही इसका उत्तर होगा। तो हमेशा निकालते हैं छियालीस का दो बुढ़े तेईस, बानवे का निकालते हैं तो तेईस चौके में दो दुना चार बुरा तेईस छियालीस है, तो छियालीस का हमेशा निकालेंगे तो दो बुढ़े तेईस, तेईस यहाँ तेईस यहाँ तेईस यहाँ क्या हो गया अस्सी। तो इस प्रकार हमने देखा कि 23 वह सबसे बड़ी संख्या है, यह दूसरे 187 273 279 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। हमने कुछ नहीं किया, सबसे बड़ी संख्या में से दोनों छोटी संख्या घटा दी, फिर बीच वाले से थर्ड वाला घटा दिया, जो प्राप्त हुआ 46 बानवे 46 उसका हमने हमेशा ले लिया, उसका हमेशा 23 आया। इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा 23 होगा, समझ आ गया। इसके बाद अभी और पढ़ेंगे शेष फल पैदाइश कैसे शेष बचेगा तो उन सभी को पढ़ेंगे, लेकिन यह आपको समझ में आ गया, अगर आ गया होगा तो फिर और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, चलिए नहीं समस्या है। अच्छा वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करेंगे ना करें आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर कर देंगे, हो सकता है जिसके पास मैं नहीं पहुंच पाता हूं आप पहुंचा देंगे, बहुत सारे से जनपद है जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप फालतू के मैसेज हम लोग क्या करते हैं दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, ये कुछ काम की चीज़ें का किसी को शेयर कर देंगे, हो सकता है गणित उसकी बेहतर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बार बार कहना हमको भी खराब लगता है आपको भी सुन सुन के भी खराब लगता है, ठीक है आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप उसे सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर बताइएगा। आप लोग क्या करते हैं आंसर नहीं देते, जहाँ पे यूट्यूब चलता है उसके लास्ट में कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके आप कमेंट में आप उसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, 432 534 और 358 माने वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 432 534 398 भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 432 235 और 398 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे, और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि हम प्रयास कर रहे हैं आपके जल्दी से कल तक संभवतः ये अध्याय को खत्म भी कर देंगे हम खींच के, और इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा, इसी तरह आपको डेली टाइम टू टाइम आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, और आप बेहतर करिए, आप अपने माता पिता की उम्मीदें हैं, भविष्य के अध्यापक आप जल्दी बनिए, इसके लिए आप अपना बेस्ट दीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए इसी के साथ आप सभी साथियों को इतना दिन देखा उसके धन्यवाद, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कोई सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में आप हमें सुझाव अपना जरूर दीजिएगा, ठीक है, और प्रयास करेंगे हम अगला वीडियो आज ही आपको दे देंगे क्योंकि अभी और बना रहे हैं। तो इसी के साथ आप सभी साथियों को जय हिंद।